और मैं यहाँ देख रहा हूँ ऑर्गेनिक खेती भी कैतूल के खेत में गए जिधर बेलर जी है और यहाँ शिशु की इंडस्ट्रीज है, ये तो बहुत एक्टिव है, यहाँ नज़दीकी है। तो आज का प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि मार्केट को कैसे इसको अच्छी तरह से जो लेन देन है मार्केट लिंकेज का मतलब एक्सपोर्टर के साथ जुड़ाना, और वो जो राजकोट का एरिया पूरा वो बर्बाद हो गया, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जालोर और सांचोर के जो बॉर्डर में है वाव थारा एरिया, तो वहाँ का अच्छा जीरा है, उससे छोड़ के सभी हमारे बाड़मेर का एरिया है, जैसलमेर, जैसे मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ का जो जीरा है, जो सूरत मंडी करके एक मंडी है, सूरत मंडी करके मोहनगढ़ से वहाँ क्या है, नवी ट्यूबवेल आए, क्योंकि राजस्थान को एक अच्छी चीज़ है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है और दो कैनाल आए हैं उसकी बहुत मतलब पानी की कोई समस्या नहीं अभी, और यहाँ की जो रेत है उसमें क्या है, जीरे के लिए वही चाहिए, क्योंकि जीरा कहीं होता नहीं है। मैंने भी महाराष्ट्र में ट्राई किया पिछली बार, यहाँ से मैंने क्योंकि मेरा क्या नए प्रयोग करता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ के भी किसान है ना, हमारे किसान बोल रहे हैं हमें भी जीरा यहाँ करना है, तो मैंने यहाँ मैं कपास में कर चुका हूँ। जो भी इधर किसान मैं देखा था इधर उधर थोड़ा आने वक्त रास्ते पे बहुत लोग कपास भी उगा रहे हैं, जो भी आपका कपास पे समस्या हो मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। उस अनार के प्रोजेक्ट में क्या है कि हम एरल्स को जो बीज होता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जैसा अनार हमको जानते हैं महाराष्ट्र में फेमस है, मगर राजस्थान में जो उगाया जा रहा है उससे उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। राजस्थान में जो क्वालिटी एरल का बीज का क्वालिटी है वो महाराष्ट्र से भी बेहतर अच्छा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में जो क्वालिटी है इसको बाहर बहुत लोग का डिमांड है, जैसा यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में भी बहुत डिमांड है। देन उसके बाद है कि इस साल हम पहले ये बोलना चाह रहे हैं इंडस गैप करके एक सर्टिफिकेशन बहुत किसान लोग को हम देना चाह रहे हैं। इंडस गैप माने इंडिया जैसा ग्लोबल गैप हो गया, ग्लोबल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऐसे ही इंडिया जो अच्छा 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 फार्मर्स है उन लोग को सबको किसान लोग को किट देंगे। उस किट में हम ये प्रोवाइड करेंगे कि पूरा शेड्यूल बनाता रहेगा, और उस शेड्यूल में हम ये भी रखेंगे कि स्टिकी ट्रैप जो ट्रैप्स रहते हैं, वो जो गम का चिपका रहता है वो उसके ऊपर वो भी काम करेंगे, और इसे इसको आइसोलेट करेंगे, जैसा ट्राइकोडर्मा वीरिडी हो गया, वाम हो गया, वास्कुलर माइक्रोरेजा हो गया, इस सबको इधर से आइसोलेट करके हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करके हम रोक रहे हैं। तो सभी किसान को मैं एक बार उसका एक ये प्रोग्राम है जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ में मिलके ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि कैसे किसानों को मार्केट लिंकेज कराया जाए। हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे इस पे पूरे दिन पे। अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा कि इसमें स्पाइस बोर्ड के साथ में हमारे साथ काजरी काम कर रही है, सेंट्रल रेड जोन ऑफ इंडिया है वो जो जोधपुर है उसके भी हमारे साथ में ITC इंडियन करेंगे, ओलम एग्रो जो है कंपनी उसके भी एम्प्लॉय हमारे बीच में है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो किसान हैं जो यहाँ सोना उगाते हैं जीरा और सौंफ, हालांकि हमारे को पिछले साल अच्छी रेट मिली, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इन बड़ी कंपनियों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करके जो हमारे ये FPO है किसान उत्पादक संगठन इसके साथ मिलके हम कैसे उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सके और हमारा बाई बैक गारंटी हो सके जिससे अच्छा अच्छे दाम हमें मिल सके, इसी के तहत हमारा ये प्रोग्राम आज हमारे इस छोटे से गांव में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है डीएस ठाकुर साहब। हम लोग यहाँ जो एक गुरु रा चेला लाज राम से भोपे हो कैसे फायदा हो सके इसी के लिए, और उसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे श्रीशैलम सर का है। आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और आप फील्ड पे भी उतने ही काम करते हैं और इतना टेक्निकली आप साउंड हैं, और आपने ही सारा WTO और ये सारा सेटअप करके और आप यहाँ सारा मैनेजमेंट करा रहे हैं। आपके स्वागत के लिए मैं अमर जी देवासी से रिक्वेस्ट करूंगा, पधारे।
हार्वेस्टिंग पे बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ जैतारण तहसील के अंदर पूरे पाली जिले में सबसे ज्यादा वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड है, जो पानी एकत्रित करते हैं, उससे लोग खेती करते हैं। पानी की कमी होते हुए भी हम लार्ज स्केल पे जीरा और सौंफ उत्पादन करते हैं। आज इतनी बड़ी कंपनी हमारे बीच में, हम यही चाह रहे हैं कि हमें उन जीरे और सौंफ के अच्छे दाम मिले और हमारा यहाँ का प्रोड्यूस बाहर एक्सपोर्ट हो, यही हमारी एक छोटी सी कोशिश है। और इसी कड़ी में हमें आगे आएंगे तो आपको जानकारी ज्यादा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का मास्टर होता है। तो आज हेमेंद्र सिंह की कृषि के मामले में हमारे मास्टर हैं, हमारे मैनेजर कह सकते हैं, हमारे अच्छे जानकार व्यक्ति हम लोग कह सकते हैं। तो क्या ये जो टीम बैठी है, ये और आप सब लोग मिलकर हमारे क्षेत्र के किसानों को जब अच्छी अच्छी बातें सीड्स के बारे में बताएंगे, प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे, तो मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के किसानों को फायदा भी होगा। तो मैं तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत इस कार्यशाला की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और जितने भी लोग पधारे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चूंकि दिन भर का आपके कार्यशाला ये चलेगी और हमें भी थोड़े कार्यक्रम के निमित्त जाना, थोड़ा लेट भी हो गए, तो कोई ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तमाम जो आप लोग जो पधारे हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं बाहर से, जो हमारे श्रीशैलम से पधारे हैं वो, और हमारे केवी के रायपुर के आप भी डायरेक्टर साहब पधारे हैं, आपका भी स्वागत। अभी हम तो जैतारण में चाह रहे थे केवी के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सरकार नहीं होने के कारण वो रायपुर में चली गई, नहीं तो हम तो जैतारण क्षेत्र में चाह रहे थे भाई, हमारा जैतारण क्षेत्र में केवी के लगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसे भी होगा हम तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा आप लोगों के बीच में समय हम लोग नहीं लेंगे, कुछ चूंकि अपना मुख्य उद्देश्य है, आज जो ये बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग आए हैं जो कृषि के बारे में जानते हैं, खेती के बारे में जानते हैं, बीज के बारे में जानते हैं, प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, तो उन सब के बारे में ये सब लोग बताएंगे। तो मैं तो जो हम लोगों का सम्मान किया, मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, दोनों खड़े हाथ करके जहाँ भारत माता की जय बोले, भारत माता की। सम्मानीय हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक गहलोत जी और सम्मानित मंच, क्योंकि मैं सभी के नाम तो नहीं जान पाऊँगा, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब और इनके सारे सहयोगी और हमारे यहाँ उपस्थित हमारे किसान भाई, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपको शुभकामनाएं। जैसे हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने आपके यहाँ की जानकारी दी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो हिमाचल से हूँ, हमारा पहाड़ी एरिया है, वैसे हम इस एरिया में आके हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ अच्छी फसल हो रही है, जैसे जीरे की फसल के बारे में। वातावरण के अंदर तो गुजरात में जहाँ नमी है वहाँ बीमारियां ज्यादा आएगी, दवाएं ज्यादा उपयोग करेंगे तो उसकी बजाय जो राजस्थान का जो एकदम कुदरती वातावरण, जैसे अभी ये धूप ज्यादा पड़ रही है इसमें कोई बीमारी आने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसी तरह से जब आपका सर्दियों के अंदर नमी कम होती है, तो नमी कम होती है तो आपका बैक्टीरिया और वायरल जो डिजीज है वो कम आती है, फंगल डिजीज कम आती है। फिर मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, अपने यहाँ पे जो पीलू जो पहले बोलते जाड़ बोलते हैं इनको, जाड़ के वृक्ष आते हैं, इन वृक्षों का जो काटा बना करके अगर उपयोग किया जाता है तो आपका जो छाछिया रोग है, जो सफेद जो हो जाता है एक एक कोने से शुरू होता है, खासकर वहां से शुरू होता है जहां पेड़ पौधे हैं और थोड़ा सा पानी भरा हुआ रहता है, तो वहां से वो शुरुआत होते होते पूरे खेत में जो है 4-5-7 दिन के अंदर हवा के साथ साथ में आगे बढ़ता जाता है। उसका अगर आप काटा यूज करते हो तो वो होता, और जो आपका ये जैतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, उनके अध्यक्ष महोदय और सभी किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मैं खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं, और आपको जब भी जरूरत पड़ेगी कृषि विज्ञान केंद्र आपके साथ में है, और आप भी जो है कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में जब भी कभी पधारो तो ये आपका ही सेंटर है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, ये अपने पूरे ब्यावर जिले का कृषि विज्ञान केंद्र हो गया, उसमें आपका भी उतना ही हक है जितना रायपुर के किसी किसान का हक है। तो आप सभी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है तैयार है, और मुझे यहाँ पे बुलाया बोलने का मौका दिया उसके लिए हेमेंद्र सिंह जी और फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं और स्पाइस बोर्ड का सभी का धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कि कृषि विज्ञान केंद्र मतलब कृषि के जितने भी विज्ञान है वो किसानों के पास जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये जो बहुत पुराने चल रहा है, तो हमारे लिए एक उपलब्धि है कि पाली में दो केवी के हैं,
दो है, मुझे नहीं लगता कोई डिस्ट्रिक्ट में एक होता या कहीं भी होता भी नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दो केवी के हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी स्पाइस बोर्ड केवी के साथ और एक दो प्रोग्राम हम शेड्यूल करेंगे सिर्फ और सिर्फ सौंफ के लिए। और क्योंकि सौंफ यहाँ का जो सौंफ है, पाली जिले का जो सौंफ है, रायपुर वो नीचे जो पिंडवाड़ा हो, फिर अपना स्वरूपगंज हो, कभी कभार पांच उंगलियां एक सी नहीं है, कोई भाई किसी ने गलत किया होगा, होते हैं बाजार, उसी कड़ी को, बीच की जो बिचौलिया की कड़ी को खत्म करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार आप लोगों के गांव में चलकर आए, जो डायरेक्ट भाव है वो आपको मिले। लेकिन फिर यहाँ MNG बैठे हुए हैं जो अपन MOU की चर्चा कर रहे हैं, मैं तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया करता हूँ, वी आर रेडी फॉर दैट MOU ऑल्सो, बट अगेन हम लोगों को ये एंश्योरिटी चाहिए कि आज हम 500 किसानों के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पर किट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या समय दे रहे हैं, तो कम से कम 50 किसानों के सैंपल पास हो, 10% ज्यादा नहीं, 100% किसी के नहीं आते, और मैं तो सबसे बैक बेंचर सुनाऊ, 10-20 आ जाए बहुत है, लेकिन जब जीरो रिजल्ट आएगा तो स्वाभाविक है। सर आपका नाम, युवा साथी भी बैठे हुए हैं, जब हम हमारे बच्चे को एक बार ट्राई कराएंगे, 10वीं में फेल हो गया, दो बार कराएंगे, तीसरी बार पढ़ाएंगे क्या? नहीं, बोलेंगे कि भाई दुकान पर बैठो। तो इसी प्रकार से किसी भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास बैठेगा, निवेदन करेगा, एक बार, दो बार, तीसरी बार क्या बोलेगा, भाई साहब के पास जाओ, एक ही लाइन बोलते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा निवेदन ये है, अब मैं जीरे के बारे में मोटा मोटा बात बता देता हूँ, जीरे की खेती कैसे करूँ, जीरे का सीजन आ रहा है, सबसे पहले अपनी जो हम बोलते हैं गर्मी में जुताई करना, वो आप लोगों ने कर दी होगी, समर प्लोइंग, जिससे जमीन के अंदर जो भी सॉयल बोर्न कीटाणु होते हैं, जिसको हम अभी जाने की समस्या बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, वो समस्या जाती है। अगर नहीं जाती है तो उसके लिए हमको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है, बीज लेना है, 100 किलो बीज के साथ 1 किलो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा किसी भी तरह का कोई हानिकारक नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। हाँ, अब क्वेश्चन हो गया ब्यास जी का कि साहब मैं की करूं, मेरे गांव में ट्राइकोडर्मा मिलता ही नहीं है। ठीक है, सॉरी ब्यास जी, मैं आपका नाम बार बार ले रहा हूँ, उसको एक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप प्रयोग करिए, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, साहब ये कॉपर ढूंढेंगे कहाँ, आपको कहीं नहीं ढूंढना है, वो भी 100 किट ITC लाके आपके गांव में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगी, लेकिन उसका स्प्रे आपको अपने खेत में स्वतः ही करना पड़ेगा। तीसरा जो आया एफिड, जो बोलते हैं मोइला, मैला मच्छर, सबसे पहले प्रयास करना है, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है उसको समझने का, कभी कभी क्या हो जाता है हम लोग भूल जाते हैं, फिर हमको क्या है, एक जो हमारे रामायण में है, हनुमान जी को उनकी ताकत का ध्यान दिलाया था, उसी तरह से हमको हमारे साथी गण जब ताकत का ध्यान दिलाते हैं तब हम लोग उस कार्य को करने लगते हैं। आपके खेत में नीम है, आक है, धतूरा है, जो भी कड़वे पत्ते वाला पौधा है उसकी 5 किलो पत्ती काट कर रख लेना है, उसको अच्छे से काट लेना है, ड्रम होगा, ढोलकी होगा, 100 लीटर की नहीं हो तो 10 लीटर की, नहीं तो एक हमारे मामू जी थे राजू खान, उन्होंने कहा साहब 100 लीटर का ढोलका नहीं है, तो उनका प्लान कैंसिल, 100 लीटर की नहीं है आप 10 लीटर का बनाओ, 10 का नहीं है 1 लीटर का बनाओ, सबके घर में क्या है मग्गा है, लेकिन उसमें नहीं तो पत्ते काट के डालना है, उसको 15 दिन तक बंद करके रखिए, 1 लीटर गाय मूत्र लेना है, गुड़ लेना है, छाछ डाल के उसको बंद रखिए, 15 दिन ड्रिप इरीगेशन के साथ चलाते हैं। हाँ, अब कुछ किसान साथी कहते हैं साहब आयुर्वेदिक से फायदा नहीं होता, मैं भी इस बात को ओपनली कहता हूँ, कभी कभी क्योंकि आयुर्वेदिक मांगती है कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर करेंगे, सुबह घूमना अच्छा होता है सबको मालूम है, लेकिन हम लोग नहीं घूमते तो फायदा नहीं होता। अब आते हैं एलोपैथी पर, अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो मार्केट में टीस्टन नाम की कंपनी है, 10,000 PPM का नीम ऑयल मिलता है, अगर आपको अवेलेबल नहीं है वो भी 100 किट ITC इलाके आपको खेत पर दे देगी, उसका स्प्रे करेगी। और अगर किसी को और दवा चाहिए थी कि, तो उसके लिए और मैं बता देता हूँ,
डॉल्फिन और पायरोइड के नाम से एक दवा आती है पीआई, उसका भी प्रयोग कर सकते। लेकिन हम लोग इसलिए दवाइयों को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ऐसा देखा गया है, जब जब हमने दवाइयों का नाम लिया है तब तब जरूरत है 50 ग्राम की, किसान प्रयोग करता है 250-300। क्योंकि मुझे मालूम है वास्तविकता में जो काम करने वाला है, जिसको आप जो बाड़मेर जैसलमेर में देखेंगे करसा कह रहे हैं, आप लोग भी कुछ जो रखते हैं भाग्य बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो खेती कर रहा होता है। तो आप लाके दे देंगे, हमने आपको 50 बोला, आप उसको बोलोगे एक काम करो यार 50 में क्या होगा, तुम 100 डालना, वो 100 का क्या कर देगा, वो 200-300 कर देगा। तो इस तरह से दवाइयों का जो अनावश्यक जरूरत नहीं है वो बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करना है। अब इसमें एक और चीज है, बीच में हमारे भारद्वाज जी भी बैठे हुए हैं जो ड्रोन के पायलट हैं, एक हम लोग एक प्रोग्राम भी डिजाइन कर रहे हैं। अब कुछ हमारे किसान साथी कहते हैं कि साहब ढोल की उठाओ तो पीठ गड़ों दर्द करे, क्योंकि देखो एक मैं खुद किसान का बेटा हूँ तो ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली समझता हूँ। लेकिन एक चीज पर मैं हमेशा जोर देता हूँ, खेती में श्रम करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। धरती को माता कहा गया है, इसके डेली पैर छुएंगे, खेत पर जाएंगे तभी खेत खुशहाल होगा, खेती खुशहाल होगी। हाँ, अब मैं आ रहा था जो हमारे प्रोग्राम की बात कर रहा था, तो हमारी तरफ से हम लोग ड्रोन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो आपको दवाई फ्री मिल गई, स्प्रे फ्री मिल गया। अब ये मत बोलना साहब खेत और लेके आओ, ठीक है। तो इतना जितना सहयोग हम लोग कर सकते हैं, और एक बात मैं द्वारा ओपनली कह के जा रहा हूँ, अगर आप लोग आगे आओगे सब लोग आपके पीछे आएंगे, इस बात को मैं गारंटी से कह रहा हूँ। थोड़ी सी कमी कहाँ रह जाती है कि जब आपको थोड़ा सा हमने पुश किया तो वो क्या आगे नहीं बढ़ना हो पाता। तो इसमें क्योंकि मैं फिर भाई साहब द्वारा आपका नाम ले रहा हूँ कि हम भी किसी कंपनी के एम्प्लॉय नौकर, सरकार के नौकर हैं, कंपनियों के नौकर हैं, तो हमको भी जवाब देना कि कल की डेट में आप यहाँ काम कर रहे हो, कुछ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल ड्रॉ करते हैं, सर ये देखो हमने ट्रेनिंग कराई, ये देखो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट है, ये रिपोर्ट, इनको हमने ट्रेन किया, देखो डायबिटीज खत्म हो गई, पता लगा 2 साल के बाद भी डायबिटीज डबल आई, तो डॉक्टर क्या करेगा भाई सर, उसका तबादला करवा दो गया। तो निवेदन यही है कि सब आपके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जरूरत है आप संगठित होकर सब एक साथ मिलकर चलिए, सब लोग चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे डायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केट हो। अभी जैसे स्पाइसेस बोर्ड ने अनाउंस किया कि आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिलेगा, आप डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में खुद ही एक्सपोर्ट कर सकते। अब आपको हमारी तरफ से जितनी भी सब्सिडी चाहिए हम हमारा नंबर दे के जा रहे हैं, और MOU की बात है डेफिनेटली जैसा सर ने बताया वो भविष्य में होगा। बाकी इसके अलावा खेती में और जीवन में क्या कर सकते हैं, चंपा जी सर बैठे हुए हैं, भविष्य में हमें 1-2 प्रोग्राम रखेंगे केवीके के साथ पर, जहाँ पर किट डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे 20 दिन के बाद, क्योंकि उसी समय जीरे की बुवाई का समय होगा। और एक छोटा सा प्रयोग और करना है, क्योंकि टेम्परेचर आप देख रहे होंगे अभी भी गर्म है, तो जीरे की बुवाई जल्दी नहीं शुरुआत कर दो, ठीक है, ये हाथ जोड़ के थोड़ा विनती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ, लोगों ने क्या सोचा कि जीरे के इस साल तो ज़्यादा भाव काफ़ी है, तो जहाँ खेत खाली है जीरा डालो, ठीक है। तो एक छोटा सा निवेदन ये है कि जीरे की बुवाई 25 अक्टूबर के बाद ही शुरू करना है, और बोने से पहले उसको अपने को भिगो के रखना है, 8-10 घंटे उसको पेड़ पर टांग के रखना है, उसके बाद ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है उसको अच्छे से रब करके फिर उसको अपने को छिड़कना। तो आपको जो जीरा 20 दिन में बाहर आता है वही जीरा आपका 10 दिन में बाहर आ जाएगा, और आपके जो पाने जैसे जिसको पड़का बोल रहे हैं 5-6 पड़के लग रहे हैं वो 2 पड़के में आ रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर खेती में छोटी छोटी चीजों को आप सम्मिलित करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और अंत में सिर्फ 2 बातें बोलकर अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि छोटी छोटी बचत ही, जैसे बोला गया है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो जैसे ही खेती में छोटी छोटी बचत करोगे आप तभी आपका मुनाफा बढ़ेगा। मैं फिर ओपन मन से कह रहा हूँ, कोई भी ऐसी ना कोई प्राइवेट एजेंसी होगी ना गवर्नमेंट एजेंसी होगी जो इस पार्ले जी के 50 रुपए देगा, पार्ले जी 5 रुपए का मिलता है बाजार में, 5 में ही लिया जाएगा। हाँ सर, तो आपका क्वेश्चन हो पूछिए। पहला क्वेश्चन तो है साहब,
कि अभी आपने बोला कि जीरे को भिगो के छिड़काव करके उसको, तो अब जैसे 10 बीघा खेत है तो एक दिन में तो उसमें पानी दिया नहीं जाता, तो 10 बीघे में, हाँ ये पहला सवाल है। और दूसरा है कि मतलब आप जो बीज का आप बोल रहे हैं तो दोनों बता दो आप। जब आप शर्मा जी बोल रहे थे तभी मैं इस पे बात करना चाह रहा था, आपने सवाल उठा दिया, बहुत अच्छा किया और बहुत वाजिब सवाल है। अगर ये नहीं पूछते तो कई बार क्या होता है कि आधा सवाल आधा जवाब सब गड़बड़ कर देता है। तो जितना जीरा आप बो सकते हो उतना ही भिगोना है, अगले दिन बो तो फिर वापस रात को भिगो देना, उसके अगले दिन बो फिर रात को भिगो देना, जितने में पानी लग सकता है। अपने क्या एक बोई तो एक साथ छिड़काव करके कर दोगे एक बात है, लेकिन जितने में पानी लग सकता हो 24 घंटे के अंदर उतना ही भिगो के पहले दिन रखना है। आपको बुआई करनी है, सुखा के जो भी ट्राइकोडर्मा का उपचार करके करना है एक साथ। मान लीजिए कि आपने 50 बीघा का भिगो के रख दिया, छिड़काव कर दिया और बाद में पानी देने में 10 दिन लग गया था, आपको वो सारा फेल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया पूछा। अभी ये क्लियर होगा। वैसे जनरली देखो किसान यही करते हैं कि आज अगर 2 हजानी बाना है उतना ही जीरा लेते हैं, ये समझदारी वाली बात है। नहीं 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 वो ठीक है, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया आपको। और कोई क्वेश्चन है बताइए, यहाँ बैठे हुए हैं परिवार में बैठे हुए, हमको भी अच्छा लग रहा है। दूसरा है साहब कि जैसे जीरे का पोए का टाइम आ जाएगा तो उसमें बीज में मतलब उपचारित करने के लिए आप क्या मतलब वो जो बाजार से खरीदते हैं ना, बाजार से जो खरीदते हैं हम लेके आते हैं मार्केट से, तो उसको कहते हैं भाई कि ये हाइब्रिड बीज है, इसका क्या मतलब है? एक छोटा सा फिर ब्यास जी ने, नहीं एक छोटा सा फिर ब्यास जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। जीरे के अंदर कोई हाइब्रिड नहीं होता है, और पहली बात सभी किसानों ने अपने घर पर एक एक दो दो बोरी रखी है, हमको मालूम है, अच्छी बात है, हमने भी रखी है, ठीक है। क्योंकि जीरे का बीज जो आएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया 700-800 रुपए किलो आएगा, स्वाभाविक है रखना चाहिए। और वो जीरा आप डालोगे तो आप बताइए अपने घर का जीरा हाइब्रिड है नहीं है, बस सिर्फ फर्क ये है कि वो थैली जो है वो चमकीली, अब जिसको जो पसंद है वो पैक कर देते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी हमारे भाई है, अपने गांव का ही कोई लड़का है, कोई छोरा है, वो भी कोई भा। समझदारी ये लेना है कि हमको प्रयोग करना है कि नहीं करना है। अब एक छोटा सा फिर एग्जांपल आ गया कि फिर मैं दे देता हूँ कि बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि शराब में नशा नहीं करना चाहिए, सबको पता है खराब होता है। अब साहब कहीं सभा हो रही है वहाँ पर बोल देंगे साहब बंद करा दो, बंद हो क्या? बहुत सिंपल मैं पूछ रहा, होगा नहीं होगा? लेकिन हाँ हम नहीं जाएंगे, ये गारंटी मेरी, मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही है, दुकान वो खोला है उसकी, ठीक है व्यापार है, हम किसी को बंद नहीं करा सकते। कल की डेट में कोई बोलेगा कि ये बंद करा दो वो बंद करा दो, नहीं होता है। हाँ हमको क्या प्रयोग करना है, जैसे आप साफ जूती बहुत अच्छी लग रही है आपकी, अच्छा कलर है, अपन ने सिलेक्ट की ना, तो इसी तरह से शर्ट भी अच्छी लग रहा है, पेन लगाया हमने सिलेक्ट किया, अपने को क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो लीजिए, नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। अब जागरूकता कब आती है कि हाँ दुकानदार ने ये भी पकड़ा दिया ये भी पकड़ा दिया, आप सब लेके आ गए, अब वो बंद होगा धीरे धीरे, कैसे होगा? जब डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, केवी के इतना अच्छा जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं गाँव में, हमारी बायोटेक की टीम बैठी हुई है गाँव गाँव जा जाके हाथा जोड़ी कर रहे हैं, तो जब ये जागरूकता, जैसे अपन मेडिकल पर गए डॉक्टर को फोन लगाते हैं पैरासिटामोल लें कि नहीं लें, कितने mg की लें, पूछते हैं कि नहीं पूछते, उसी तरह से जब खेती में हम पूछने लगेंगे केवी के फोन लगाकर या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, 15 दिन क्योंकि उसके अंदर गोबर है तो वो जल्दी उसको भोजन चाहिए, खेत में जाते हैं उसको वो फफूंद मिलेगी नहीं, ठीक है खाने के लिए, तो भोजन चाहिए तो क्या है गोबर, तो सबसे बढ़िया गोबर की जो खाद है उसके लिए भोजन है उसके ट्राइकोडर्मा के लिए, तो वो जमीन में डालने के बाद में भी जीवित रहेगी और जैसे ही उसको जो है वो फफूंद मिलेगी उसको खाना शुरू करेगी और अपनी संख्या बढ़ाएगी। तो आपने जो 1 किलो ट्राइकोडर्मा डाला था या 2.5 किलो मान लो 100 किलो उसमें गोबर का 200 किलो गोबर में, तो वो अपने आप बढ़ता जाएगा गोबर के अंदर बढ़ता जाएगा, आपने 1 किलो डाला वो 2-2.5 किलो बराबर हो जाएगा, छाया के अंदर रखा उसको धूप में रखोगे फिर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में उसको जमीन के अंदर डाल करके उसके बाद बुआई करोगे तो निश्चित तौर पर आप उसको चीज को देखना, आप क्योंकि आपका खेत है आपको अनुभव है कि आपके खेत में जहाँ पहले जो ये बीमारी आती थी वहां जो है इसको अगर आपने डाला तो आपका इसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात है जो आपका अभी तो क्या हो रहा है किसान बहुत
जागरूक ज्यादा हो गए, कुछ ज्यादा जागरूक हो गए, तो रायडे का कचरा भी जो वो बेचने लग गए, बेचो कि बेचो, जबकि जो आपका जो ये विल्ट जो बीमारी आती है उसमें अगर रायडे का कचरा खेत में फैला दो तो वो बीमारी नहीं आती है, समझ रहे हो बात आप? तो कुदरती इलाज है, लेकिन अपना जो बुजुर्ग लोग थे वो बुजुर्ग लोग को करते थे, लेकिन आपा पाचा भूल गया, तो वो उस पद्धति को भी वापस आप रखो। इसीलिए कहते हैं आपकी जैविक जो जीरा है या जो आईपीएम जो जीरा कि जिसमें कम से कम दवा से जो है आप उत्पादन लेते हो, जिससे कि उसका असर जो है बीज में जब बेचने जाओ, दाना बेचने जाओ उसमें नहीं आए, तो आपको अच्छा भाव मिले, उसके लिए ट्राइकोडर्मा जो आपको मैंने बताया उस तरह से आप करोगे, और खास करके खड्डे में जो आप खाद क्या उसमें ट्राइकोडर्मा डाल दो, छाया जरूर होनी चाहिए, और उसके बाद में आप खेत में करो, उसके बाद बुआई करो, तो एक बीमारी से आपको लगभग निजात मिल जाती है, ठीक है। और जीरे में तो ये दो तीन बीमारियां हैं, कोई ज्यादा है नहीं, जो आती है वो बड़ी खतरनाक आएगी। हाँ, और दूसरा जैसे एक और कि नमी सबसे बड़ा दुश्मन जो बीमारी का जो है कारण होता है वो नमी होती है। जीरे जैसी फसल के अंदर अपना एक मारवाड़ी में गाड़ो है, वो जीरो पीड़ो ओड चाली जीरो फुड़को पीड़ो गाड़ो ओढ़ के तो जो भी है, तो उसका रीजन क्या है कि ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील फसल है, उसके अंदर अगर कहीं ज्यादा पानी दे दिया तो बीमारी शुरू हो जाएगी, एक रात के अंदर तो आपकी ये सारी पूरी फसल चली जाती है। और एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, एक जो अपने पुराने लोग खेतों में मेहनत करते थे, धुआं करते थे, बात को दो फायदे होते, अगर आप देखो तो धुआं जब करते हो तो उसकी एक परत बन जाती ऊपर, बने नहीं बना, अगर आप देखना उसको जैसे आप लगातार धुआं करोगे तो एक जमीन से थोड़ा ऊंचाई पे उसकी परत बन जाती है, और जहां धुआं होता है वहां सर्दी नहीं लगती, अपने को भी नहीं लगती, लगे टेम्परेचर जो है वो काफी कम हो जाता है, मतलब सही हो जाता है, तो वो टेम्परेचर सही होने से क्या होता है कि फसल पे भी उसका असर पड़ता है। तो आपका धुआं अगर करोगे आप, तो धुआं करना क्या है कि हर 15 फीट में 10 फीट में जो जिस दिशा में तो रात को 12 बजे से लेकर 2-3 बजे के आसपास धुआं करना है, जिससे कि आपको झाकड़ पड़े, झाकड़ असर नहीं पड़े, बीमारी नहीं आवे, और ये आपका सस्ता इलाज है, ठीक। इससे क्या होगा, दो तीन चीजें, धुओं में बैठना अपने को पसंद नहीं होता, क्योंकि धुआं हुआ तो बोली देखो अस्थमा दमा बड़ा घनी समस्या है, तो वो कीड़ों के साथ भी हुई है। तो आपका जो है जीरे के अंदर अगर आप लगातार धुआं करोगे तो जो है लगभग जब आपका जीरा 1.5-2 महीने का हो जाए तब, तो ये आप चीजें करें। और साथ में अगर जैसे ट्राइकोडर्मा का सबसे बढ़िया उपयोग तो बुआई से पहले, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका जो है फसल में समस्या आ रही है, तो आप 1 महीने की फसल जब होती है उसमें पानी के साथ में भी इसको स्प्रे कर सकते हो, पानी के साथ दे भी सकते हो, पर उसका उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना बुआई के पहले आप करोगे, तो ठीक है। धन्यवाद। आपने अभी आपके सिरमुख से फरमाया कि रायडे का जो कचरा है वो खेत में फैला दो, ताकि मतलब उसकी जो रिसाइक्लिंग है एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव लैंड हो जाएगी, लेकिन वो किस फोरम में हम उनको स्प्रेड करें हमारे खेत में कि वो फायदेमंद हो सके, क्योंकि वैसे फैलाएंगे हम खेत में घूमने को तो जुताई में परेशानी आएगी, तो उसकी कुतर करके सर वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। हाँ, तो आई वांट टू आस्क अबाउट प्रोडक्शन अबाउट टोबैको इन आवर राजस्थान, टोबैको आईटीसी अभी बोले थे हमारे गंगा सिंह जी के, अभी क्या नाम है आप बता, हेमेंद्र सिंह जी के टोबैको की के लिए भी सरकार कुछ न कुछ आकाशकारों को प्रभाव करती है, तो आप हमें बताइए कि हालांकि आप तो मसाले के बारे में बता रहे हैं इस वक्त, ये आपके विषय में नहीं होगा शायद, आपको अड़चन होगी इसको समझाने में, आप तो हमें बताइए कि ये टोबैको की जो फसल है ये बेनिफिशियल फसल है, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए हमें। देखो सबसे पहली बात है कि सरकार अभी तक तो जहाँ तक मेरे को मालूम है इसकी परमिशन अभी दी नहीं है, गुजरात के अंदर परमिशन है, बहुत बढ़िया फसल है, वहाँ देसी तम्बाकू करता है और कलकत्ती तम्बाकू बोलते हैं जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, ये दो तरह की जो है वो वहाँ पर फसल करता है, खास करके खेड़ा और आनंद जिले के अंदर, और वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको तम्बाकू की फसलें खूब सारी मिलेगी। इसके लिए पहले तो शर्त यह है कि बहुत बढ़िया फसल है, लेकिन आपको सरकार से परमिशन मिले उसके बाद आप करो तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, बाकी मैं आपको यहाँ तम्बाकू की बात करूँगा आप रिकॉर्ड करोगे तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा काम अपन नहीं करेंगे, ऐसा वो वैज्ञानिक आए थे वो तम्बाकू की खेती को प्रमोट करते तो सरकार के विरुद्ध हो जाता है,
तो अपन उस पर नहीं जाएंगे, खेती बहुत अच्छी है, सरकार परमिशन दे देगी, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है सर, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका मार्गदर्शन गलत होता है, क्योंकि आपके MLA और बहुत सारे राजनेता जो है उनसे आप संपर्क करें, साहब बहुत बढ़िया उत्पादन मिलता है, बहुत अच्छी इनकम है इसमें, ये भी हमको और परमिशन मिला हो तो वो करेंगे आगे जाके बात, और सरकार कहीं सोचेगी। ठीक है सर, वो तो राजस्थान सरकार अगर चाहे तो दे सकती, गुजरात में बहुत बढ़िया कमा रहे, ऐसी बात नहीं। तो अभी अभी आपने जो कहा था कि रायडे का जो है उसकी कुतर करके डालना, सीधा वो डंठल नहीं डालना, सारा मुझे लगता है थ्रेसर से निकालता है, कुतर ही होती है। ठीक है सर, और कुतर में जो होता है आपके लगभग पूरे खेत के अंदर मिक्स करना कि एक जगह वो सारे ड्रेक नहीं पड़ जाए, ये तो उसमें जो है आपका खास करके जो विल्ट जो बीमारी है उसमें आपका ये फायदा मिल सकता है। वही जैविक खेती करते हैं, क्योंकि हमने ये फार्म विजिट किया था, बहुत अच्छा लगा, सौंफ और कसुरमेथी बहुत बड़े जैविक खेती करते हैं। बोलने वाला तो घनिया रही है, माथा तो बढ़ गया। ऐसा आप सब आप रासायनिक खेती कर रहे हैं, पर मैं काफी टाइम हूँ जैविक खेती कर रही हूँ, हमारे जमीन ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी है, 16 का जमीन है, मैं 13-14 साल हूँ जैविक ही कर रही हूँ, कोई के जैविक खेती नहीं रहे, थोड़ी मेहनत अपने करनी पड़ी, साल 2-3 साल तो थोड़ी दिक्कत आई, मैं कर रही हूँ आप रसायन हवेज फसल हमारी बेटी है, आम है, आप फार्मा दायड़ा है, सभी फसलें हैं, जीरा मेथी धनिया सौफ अजवाइन, आप बोल रहे कस्तूरी मेथी भी अपने एरिया में खूब अवेलेबल है, गेहूँ भी है, गेहूँ तो देखो सभी आम कर रहे आप जीरा रवाज आप क्यों भी मीठा रोग और जड़ गलन रोग सबसे बढ़िया इलाज आपने को डरवा ब्रिडी, एक अर्जेनियम आता है अर्जेनियम नहीं ब्रिडी ब्रिडी एक सुडोमोनास, ये दो प्रयोग आप गोबर के साथ मिलाए जमीन में काम में ले हो तो हमारे जो को प्रयोग करी हो आसार हो तो आपने 90% तक निदान मिल जाए, अपन सबको बढ़िया फसल आई जाए जीरो और सौ और सौ में भी जो भी आवे आप काली रोग के वहाँ वो भी एक फंगस है जड़ जमीन में तैयार है, आप ट्राइकोडर्मा उनको प्रयोग करो तो इनमें भी वॉइस निदान है, सभी फसल के लिए आप टमाटर के हो मिर्ची के हो सबके लिए पाउडर मिली के लिए भी वॉइस अपोर्ट निदान है, और एक का आप सबको सस्तो सुंदर पाउडर मिली हुए के अपने के तिरार महीने भी छाछ रोग रिको सौ पीबे की फंगस आएगी काली रोग रेको प्याज लहसुन और अदरक। हाँ साफ पीढ़ियों वो भी एक फंगस ही है वही जिला है, अरे पीढ़ियों नहीं वो जड़ रोग जड़ मैंने जीव साफ डॉक्टर साहब पीला रोग फंगस फंगस वो जड़ पौधा पीला थोड़ी डॉक्टर साहब बताए पीला नहीं सर ये यहाँ एक मिनट नहीं आपने बताया ना एम्बिशन वाला बताया आते क्या जैसे बी सी के एम्बिशन करके एक आती है पहले किसान भाई एक बार मेरा बात सुन लीजिए ना, एम्बिशन करके एक ग्रोथ प्रमोटर होता है 5000 ppm का है, वो बेहतर अच्छा काम करता है पीली रोग के लिए, और मैं ये भी एक बार बताना चाह रहा हूँ, जैसा डॉक्टर साहब केवीके से बहुत अच्छा भाषण दिया था ट्राइकोडर्मा के विरिडी के उसका उपयोग वगैरह, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लोकल स्ट्रेंथ जो रहता है वो सबको लेना है, लोकल स्ट्रेंथ माने आपको एक अच्छा से काम जाऊंगा, जैसा मैं होगा साउथ इंडियन साउथ से आया था उधर अलग सा क्लाइमेट रहता है, मैं जब इधर आया था थोड़ा दिन मेरे को भी लगा यार बहुत गर्मी है राजस्थान, जो साउथ में थोड़ा थोड़ा बहुत ठंडी रहते हैं, जैसा मैं सर्वे होने के लिए थोड़ा टाइम दिया था, जैसा सूक्ष्म जीव रहते उसको टाइम नहीं रहता मर जाता सीधा सीधा,
तो इसीलिए आप जो इधर का लोकली आइसोलेटेड जो स्ट्रेन है उसको लेना है, जैसा डॉक्टर साहब बोलता है वो केवीके में प्रोडक्शन हो रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में एक बड़ा सा बायोकंट्रोल लैब काजरी से और जोधपुर आईटी से मिलके कुछ बड़े स्तर पे आगे वाला दिन हमें काम करना चाह रहे हैं और मैं भी इस वर्ल्ड में दुनिया में एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आइसोलेट किया हूँ, वर्ल्ड में थर्ड आइसोलेट है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कितना आपका स्पाइसेस में मसाला में उसका उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू। मैं जैसा कि अभी बताया थोड़ा सुनने में थोड़ा सा मुझे लगता है भूल है कहीं, कृषि विज्ञान केंद्र अभी क्योंकि नया है तो खुद तो अभी कुछ नहीं करता, किराए के मकान में एक कमरा और एक हॉल में हम लोग अभी बैठे हैं और मैं अकेला स्टाफ हूँ साइंटिफिक और एक मेरा असिस्टेंट है कंप्यूटर प्रोग्रामर है। मैंने कहा था आपको ATC रामपुरा और सुनने में वही बात कर रहा हूँ कि सुनने में और समझने में दोनों फर्क हो जाता है। ATC रामपुरा अपने जोधपुर से 20 किलोमीटर आगे 25 किलोमीटर आगे है, गवर्नमेंट की लेबोरेटरी है और वहाँ पर जो है आपको 125 या 130 रुपये किलो के हिसाब से ट्राइकोडर्मा मिलता है। एक आदमी जाए और जैसे मान लो कोई व्यक्ति चला जाए तो वो मिल करके एक बार जरूर जो है वहाँ से, और जैसे आपका ATC जो कह रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो और बढ़िया बात है। तो हमें ये देखना है कि हमारे को अच्छी चीज कहीं से मिल जाती है बिना पैसे में या कम पैसे में वो ज्यादा बेहतर है। और मैं तो ये कहता हूँ अगर सारे किसान तैयार हो तो ITC को, मैं तो ये कहता हूँ 500 किसानों को क्यों, अगर 3000 किसान करते 3000 किसान को एक बार आप प्रायोरिटी बेसिस पे दो तो सही भाई, उन पर विश्वास पैदा करके उनके साथ रख के उनको पैदा करने के लिए आप प्रोडक्ट दो आप इनपुट, उसके बाद किसान की उसमें जरूरत अगर लगे तो आपको उस वापस कॉस्ट में से काट लेना क्या फर्क पड़ता है भाई, 100 रुपए 200 रुपए जो भी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नए पधारे, वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया कि किन अभावों में अभी केवीके है, पर आपने किसान की छोटी से छोटी समस्या को बहुत विस्तारित तौर किया तो मैं आपसे बहुत प्रभावित, धन्यवाद आप सबका। यहाँ मूल जैसे मैं किसान हूँ भाई, प्रोफेशन नहीं हूँ, मेरा सेकंड है, मुझे बहुत पैशन है कि मैं कुछ एग्रीकल्चर में कुछ करूँ, इसलिए मेरा यहाँ से 10 किलोमीटर बाद में फार्म में आंवले की खेती कर रखी है, तो मैं डिपेंडेंट हूँ अपने अगले जिसको बंड दे रखा, तो होता क्या है कि इतनी समस्याएं आती है, दौड़ भाग रहती है, जब वापस आके देखते हैं तो स्थितियां कुछ अलग होती है, शुरू में अपन प्लानिंग ऐसी करते हैं लेकिन किसान इतना अनपढ़ है और उसको तुरंत चाहिए रिजल्ट चाहिए और इकोनॉमिकली इतना साउंड भी नहीं है हर किसी की, या 90% जैसे हेमेंद्र सिंह ने फरमाया कि इकोनॉमी पूरी एग्रीकल्चर बेस्ड है तो, लेकिन हर बार किसान इस बार भी देखिए इतना मतलब कुछ रिस्क लेने की उस कैपेसिटी में नहीं हो पाता कि यार ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। जैसे मेरा एक शौक है, मैंने पिछली बार भी की, उत्पादन बहुत डाउन रहा फिर भी मैं इस पैशन को लगातार करता जाऊंगा, लेकिन मुझे देख के किसान हतोत्साहित हो जाते हैं कि साहब आप तो ठीक है आपका सेकेंडरी काम है तब आप सर्वाइव कर रहे हो, हमारा क्या होगा। तो क्या गवर्नमेंट के लेवल पे या कोई ऐसी एजेंसी जैसे ITC ऐसा, जैसे केमिकली ये शॉप्स हैं वैसा कुछ ऐसा इन सभी समस्याओं के लिए ऑर्गेनिक अपने को मिल सकता है क्या, वो अवेलेबिलिटी किस तरह की रहेगी, तो वो अगर इस एरिया में या जैतरण फार्मर्स प्रोड्यूसर को या आप एजेंट नियुक्त करें तो मुझे लगता है कि और ज्यादा किसान या ऑर्गेनिक की तरफ आकर्षित होंगे। दूसरा एक क्वेश्चन था अपने गोबर जो खाद देते हैं खेत में तो क्या इसको सड़ा गला के देना चाहिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन बेटर रहता है और सरकार अभी कितनी सब्सिडी दे रही है अच्छी कंपनियों को, इसके बारे में थोड़ा सा पहले तो जो बाद के सवाल उनका जवाब पहले देता हूँ कि लोग कहते हैं कि ड्रिप में जीरा नहीं होता, मैं तो कहता हूँ कि गुजरात में जीरा ले रहे हैं ट्रिप के अंदर, लाइन सौ के अंदर ट्रिप में करा, मैंने खुद ने किया है, पहले मैं गुजरात में रहा हूँ 12 साल गुजरात में रहा हूँ, सुरेंद्रनगर के अंदर रहा हूँ, मुझे पता है, और उसके अंदर जो है आप जो रेज बेड बोलते हैं जमीन से लगभग आधा फीट ऊपर और लगभग 1.5-2 फीट की जो है वो उसकी चौड़ाई रहेगी बेड की और लंबी पट्टी रहेगी, उसमें आप दो लाइनें बना सकते हैं, बीच में आप ड्रिप रख सकते हो, तो ड्रिप तो मुकाबला नहीं है क्योंकि जब पौधे को पानी चाहिए तो पानी मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो आप ड्रिप के साथ में मान लीजिए कि ग्रोथ हार्मोन देना चाहते हो या बायोगैस डिकम्पोजर है या कोई बायो जो फाउंडेशन है अगर वो देना चाहते हो तो वो ड्रिप के साथ चला जाता है, चाहे तो आपके जो जीवामृत पंचगव्य जो भी है सारा उसमें जा सकता है। तीसरी बात यह है कि पानी जितना दिया उतनी जरूरत तो उतना ही दिया तो बीमारी कम आएगी। मैं आपको फिर बोलता हूँ जीरे के अंदर हो चाहे कोई सी फसल के अंदर हो सबसे पहली अगर कोई तो ट्रिप करिए आप, ट्रिप के साथ में आपका जो है सारी चीजें जा सकती है, नमी अगर प्रॉपर बनी रहती है तो उसमें दीमक की समस्या है और दूसरी समस्या वो कम होगी और आपका जो ग्रोथ हार्मोन वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसमें दे सकते हो। दूसरा क्या सवाल था सर आपका?
गोबर गोबर ताजी दोगे तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास में कल परसों फोन आया था कि साहब की समस्या हो रही खेत में, क्या हो रहा है साहब, वो पौधे खड़े खड़े जो है वो कट रहे हैं। तो मैंने कहा क्या दीमक है क्या? बोल दीमक तो नहीं, मैंने कहा वो जो आपके गेंद जो वाइट ग्रेप बोलते वो साहब बेटर है सफेद। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आप बिना सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देते हो सीधी, एक तो पहली बात तो ये है कि जैसे उकरड़ी है आप देखना एक बार कोशिश करना, सीधा अगर हाथ डालोगे तो मैं कहता हूँ आप 5 मिनट रख लो तो बहुत बड़े हो, राजा महाराजा से बराबर हो आप, बाकी आप रख नहीं सकते क्योंकि इतना गर्म होता है। तो ताजी गोबर तो कभी डालना ही नहीं, बढ़िया सड़ी हुई गोबर के लिए जो मैंने आपको पहले कहा था खड्डा करके जो कंपोस्ट पिट बोलते हैं उसके अंदर बिल्कुल उसको सड़ने दो। होता क्या है कि आप क्या करते हो उकरड़ी बनाते हो, अपनी मजबूरियां भी कुछ मान लो ऐसा है, उकरड़ी में क्या होता है बरसात आती है तो पानी उसके ऊपर गिरता है हिमालय बन जाता है, हिमालय बनते क्या पानी जो ज्यादा गिरा वो धुक करके आगे चला जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा गोबर के बाद में जो पानी का रंग होता है मटमेला, तो वो सारा कस निकल के चला जाता है, जो उसकी जो ताकत है वो तो चली जाती है। अब रही पीछे आपका जो है तो पानी उतरा नहीं अंदर, पानी बह के चला गया। अब जब तक गोबर के अंदर पानी उतरेगा नहीं जब तक वो सड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब जहां आपको 3 महीने में गोबर सड़ जाना चाहिए वो आपकी सड़ती नहीं है 6 महीने 8 महीने तक। तीसरी बात इसके अंदर जो है आपका कचरा अगर रह गया, कचरा रहते ही आप मान के चलिए कि जो आपके जो गेंद जो समस्या है वाइट ग्रेप जो बोलते हैं बड़ी जो इतनी उंगली बराबर हो जाती है तो मूंगफली और मूंग में काफी अभी देखने को मिल रही है, अब उसकी समस्या और दीमक की समस्या सबसे ज्यादा हो जाएगी और वो आपके खेत में समस्या पैदा करेगी पहली बार। उसी की जगह अगर ये कचरा सड़ गया होता तो वो खाद का काम करता। तो मतलब हमने जो कचरे को डाल करके क्या क्या समस्या को मोल लिया और साथ में सड़ी हुई खाद डालोगे उसकी बजाय अगर आपने ताजी खाद डाल दी बाई दे भाई तो उसमें क्या होता है कि गाय खाए भैंस खाए बकरी खाए कोई भी खाए उसके पेट में से गोबर निकलता, तो गोबर के मेरे पास इसमें मोबाइल के अंदर फोटोग्राफ्स है, जैसे ही गोबर डाला बरसात हुई उसमें से कई बीज निकल गया। या कई बार ऐसा होता है कि आपके खेत में जो समस्या पहले कचरे की नहीं थी वो नया कचरा साहब ये 2 साल से मेरे खेत में आ गया, उसका कारण क्या है गोबर। मोटे तौर पे जो नया कचरा पैदा हो जाता है ज्यादा पैदा होता है तो उसका मेन कारण होता है आपकी गोबर की बिना सड़ी हुई खाद डालना। इसीलिए सबसे बढ़िया है कंपोस्टिंग जो पिट है उसके अंदर जो है आपका 3 फीट गहरा हो 6 फीट लगभग चौड़ा हो बाकी 10 फीट 20 फीट जितनी आपके अनुकूलता के साथ उसकी लंबाई कर दो, छाया के अंदर वो रहे थोड़ा सा और उसके अंदर गोबर की खाद डाल करके उसमें वापस फिर मैं आपको कहता हूँ कि उसमें SSP अगर आपको मालूम अलाउ करते हैं जीरे वाले, नहीं तो फिर जो है आपका ट्राइकोडर्मा वो डालते रहो, पानी में वेस्ट डिकम्पोजर छिड़काव करते रहो ताकि आपकी गोबर जो है वो 6 महीने की बजाय 2-3 महीने में सड़ जाए बढ़िया। और रोटेशन रखो इस बार, जैसे मान लो कि आपको चाहिए 5 ट्रॉली खाद तो आप 5 ट्रॉली नहीं खरीदते एक बार 10 ट्रॉली खरीद लो ताकि आप इस बार 5 ट्रॉली सड़ा करके डालो अगली बार के लिए 5 ट्रॉली सड़ी तैयार रहेगी, फिर 5 ट्रॉली लाए वो डाल दिया ये नहीं से आपने तैयार कर ली। तो जो रोटेशन में जो आपकी गोबर की खाद आपके पास एडवांस पड़ी हुई है तो आप हमेशा सड़ी हुई खाद डालोगे बजाय की ताजी खाद की। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आपकी फसल को फायदा होगा और जो गोबर की खाद डाल रहे हो उसका भी सही में फायदा मिल जाएगा। तो आपकी कई समस्याएं कचरे की समस्या उदय की समस्या गेंद की समस्या जो वाइट ग्रब है इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। क्योंकि एक बोतल दो बोतल देने तो वो नहीं आएगा। तो कुल मिला के मैं दोबारा उन्हीं शब्दों पे आ रहा हूँ कि संगठन में ताकत है। बाहर से गया कोई दूसरी गली में गया सब लोग भिड़ो होके अपन लोग खुद ही एक बना सकते हैं, सहयोग के लिए तैयार है, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। और अगर लगा कि पर्सनल सहयोग करना है कि खुद का पहिया घर से डालना है उसके लिए भी तैयार है, लेकिन अपन सबको यह जवाबदारी लेना है क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ WTO का बोर्ड लगाए यहाँ के स्वयं की नाम की या समूह में मिनिमम 1.5 हेक्टर जमीन होनी चाहिए। एक काश्तकार के होगा तो सिंगल काश्तकार को भी सब्सिडी मिलेगी और उसके काश्तकार के जमीन कम है 2-3-4-5 काश्तकार भी इकट्ठे होकर अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ई मित्र पर आपको फार्म आवेदन करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको जमीन की जमाबंदी प्रेस नक्शा आधार कार्ड जन आधार कार्ड और बैंक डायरी इसे आप ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन के बाद में आपको प्री वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में तारबंदी कराने पर आप बिल वाउचर पेश करेंगे उसके आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें एक और योजना है, यदि 10 या 10 से ज़्यादा काश्तकार इकट्ठे होकर 50 बीघा 60 बीघा 100 बीघा जमीन के चारों ओर तारबंदी करते हैं तो उनको 100 की बजाय 140 रुपये पर मीटर मैक्सिमम 56,000 रुपये प्रति काश्तकार अनुदान दें।
शर्त यही है कि 10 या 10 से ज़्यादा काश्तकार सामूहिक रूप से पूरे चक्के और तीन के अंदर 40 ही मिलेंगे, 40 तीनों के 1200 मीटर होगी तो 1,20,000 रुपये मिलेंगे। 10 या 10 से ज़्यादा है तो आपको 56,000 प्रति काश्तकार अनुदान दें। ये तारबंदी हो गई, इससे इसके बाद में एक खेत तलाई योजना चलती है राजस्थान सरकार की, जहाँ खेतों के अंदर पानी भरा जाता है तो वहाँ अपन कच्ची और पक्की दो तरह की खेत तलाई का निर्माण कर सकते हैं, जिससे अपन को दो फायदे होंगे। एक फायदा तो अपने बरसात में अतिवृष्टि होने से फसल गलने से बच जाएगी, दूसरा फायदा जो बरसात का पानी जो एक तरह का अमृत है वो बचा होगा, तो उससे आप इरीगेशन करके रबी की फसल जीरा है, इसबगोल है, राया है, जो आप उचित समझते हैं वो आप पैदावार ले सकते हैं। तो कच्ची खेत तलाई के लिए काश्तकार के मिनिमम 3 बीघा ज़मीन होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो वो काश्तकार ई मित्र पे ऑनलाइन कर दे और खेत तलाई का निर्माण कर दे तो काश्तकार को कच्ची पे 63,000 और अनुसूचित जाति का और महिला काश्तकार है तो 74,500 का अनुदान दे। जहाँ ज़मीन में पानी नहीं रुकता है और प्लास्टिक लाइन बिछाई जाती है तो उसमें सामान्य काश्तकार को 1,20,000, SC महिला काश्तकार को 1,35,000 का अनुदान दें। इसके बाद में जिन किसान भाइयों के ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस प्रोग्राम में आके हमारी शोभा बढ़ा दी। और इस प्रोग्राम के जो मेन करता है हेमेंद्र सिंह जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे क्योंकि उनके बिना ये प्रोग्राम नहीं होता, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा इधर। और हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब जुगल दास सर, वो उनका स्वागत था और माला सापा से इधर आइए सर, प्लीज इधर आइए, तो उनका सम्मान करेंगे। हेमेंद्र जी तालियों से, सभी तालियों से गुजर करिए हमारे हेमेंद्र साहब सिंह से। और भी ऐसे बहुत प्रोग्राम करेंगे क्योंकि इंड गैप का एक प्रोग्राम है आगे वाले करने वाले हम, जो सर्टिफिकेट का है, क्योंकि जयतारण फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से इम्पैनल हो गई है इंड गैप में UCI। और डायरेक्टर जो है दिल्ली से मनीष पांडे जी नेक्स्ट इसमें आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमेंद्र जी, आपने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया और आपको हम पूरे दिन जो बकरी पालन में कुछ करना चाहते थे और कुछ किसानों को हम लोगों ने जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, इस बार भी हमारा अभी प्लान है, अभी डॉक्टर साहब ने करीब 2 बैच के लिए दिया है, एक काजी जोधपुर ले जाए, कुछ हमने पाली एरिया के अंदर कुछ मॉडल्स लगाए हैं नाबार्ड की तरफ से, जिसमें एक सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पर अगर कोई किसान भाई बैठे हैं, यहाँ हमारे हेमेंद्र सिंह जी हैं, तो उसमें 2 सोलर ट्री लगाए हैं, तो कम से कम देखिए 10 हॉर्स पावर का उससे ना पंपिंग कर रहे हैं वो, तो अच्छा मॉडल है जो हम लोग अगर कभी आपके FPO के मेंबर भी देखना चाहें तो वहाँ पर 2 सोलर ट्री लगाए हैं, एक लो कॉस्ट पोलिया हाउस है और भी कुछ वहाँ पर मॉडल्स हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं केवी के पाली के अंदर, वो हमने प्रपोजल भी डॉक्टर साहब ने दिया है। और वैसे ये अब तो जयथारण तो ना ब्यावर में आ गया है, लेकिन मैं तो पाली देखता हूँ और अभी, लेकिन जब तक अभी आगे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तक ये ब्लॉग भी हम भी देख रहे हैं और LDM साहब भी इस एरिया को अभी देखेंगे, बैंकों का भी जो भी सहयोग होगा वो हमारे तरफ से पूरा आप लोगों को रहेगा। और हमने होगा जो कोई सीमेंट फैक्ट्री उनसे एग्रीबेस खरीदेगी, और जहाँ हम लोग बात करते हैं नेट जीरो की, आप तो नेट जीरो की तरफ एक कदम आपका FPO बढ़ा रहा है, जिसमें हमारे ऑनरेबल PM का भी है कि नेट जीरो और एग्री कम से कम आप ये लोग जो कोयले से सीमेंट करते हैं वो नहीं हो पाएगी, इस एरिया के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर जो हमारे सरपंच और प्रधान साहब वगैरह बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी इस एरिया के लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं हेमेंद्र सिंह जी की पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। और अंत में मैं वापस पूरी स्पाइस बोर्ड की टीम का और आपने हम लोगों को आमंत्रित किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कोई भी कुछ ऐसी कोई स्कीम आपकी हो स्पाइस बोर्ड की जिससे कि FPO को फ़ायदा मिल सके, FPO के मेंबर को फ़ायदा मिल सके, तो आप जरूर एक वो खुद का मॉल भी, मतलब FPO मॉल बोलते हैं उनकी जो भी प्रोड्यूस है, तो ऐसे थोड़े आगे आए तो उसमें मूल्यवर्धन बोलते हैं, तो उसके लिए नाबार्ड या फिर बहुत सारे ऐसे जो सीमेंट जो CSR जो एक्टिविटीज वगैरह करके ये मैं करना चाहता हूँ फार्मर, क्योंकि एक बानस एग्री प्रोड्यूसर कंपनी करके एक गुजरात में है, वो अभी उनकी बैलेंस शीट है 12 करोड़ रुपए, तो वो छोटे से किसान है, वो अनपढ़ है, चेयरमैन है करशन सिंह जाडेजा, उनको राष्ट्रीय तरफ से जेटली साहब ने अवार्ड दिया है
2014 से स्पाइस बोर्ड से जुड़े हुए थे, ऐसे ही छोटे मोटे प्रोग्राम करते करते उनको प्रोत्साहित किया, आप इकट्ठा होइए, संगठित होइए, किसान आने तो उनको क्या है लाइक माइंडेड पीपल चाहिए, क्योंकि क्या एक सब किसान के साथ यूनिटी चाहिए, जब यूनिटी होगा तब वो सक्सेस होंगे। तो उन्होंने हमारी सब बातें मान ली, हमने 10 से 15 प्रोग्राम किए उनसे, उनको हमने डेमोस्ट्रेशन किट भी दे दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी। तो उनको फिर बाद में समझ में आया कि मार्केट क्या है, क्वालिटी बेस्ड है, क्वालिटी और प्राइस। तो उसके हिसाब से उन्होंने खुद का चोराड ब्रांड करके ब्रांड भी स्थापित किया, उनका राधनपुर में मॉल चल रहा है, नाबार्ड ने उसको ये किया है, उनकी जो FPO की स्पाइसेस वो बेचते हैं, कलेक्टर साहब खुद उसमें इंटरेस्ट लेके उसको बढ़ा। तो ऐसे कुछ एक्टिविटी जब करेंगे तभी हमारा जो माल कृषि का माल जो FPO है वो आ गया, क्योंकि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में गवर्नमेंट में 1,00,000 करोड़ का जो घोषित किया था आई थिंक 2 साल पहले, तो वो यहाँ टारगेट दिया कि FPO को एम्पावर करना। एम्पावर कैसे होंगे, ऐसे माध्यम से मूल्यवर्धन, लाइसेंसिंग इकट्ठा करना, क्वालिटी प्रोड्यूस करना, डायरेक्टली मार्केट लिंकेज करना, ITC जो आई है ITC के साथ मिलके, ITC जो बोल रहे हैं कि देखिए उनको लेने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके माल गुणवत्ता वाले चाहिए, यानी पेस्टिसाइड्स रहित नहीं बोल रहा हूँ, जो मात्रा रहती है मात्रा से कम होना चाहिए, है ना। और देखियो किसान को किसानी ज्ञान हम मतलब देना नहीं चाहते, क्योंकि वो किसानी ज्ञान वो खुद जानते हैं, लेकिन अवेयरनेस का जो चीज़ है वो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं नाबार्ड को बहुत धन्यवाद, क्योंकि नाबार्ड हमारे साथ पिछले सभी कार्यक्रम में सर नाबार्ड आती है, क्योंकि मैं राजस्थान में 10 DDM साहब से मैं प्रोग्राम किया हूँ, हमारे मनीष मंदा साहब है, फिर प्रजापति अपने बाड़मेर के थे, अभी यहाँ आए हैं, तो नाबार्ड हमारे साथ जुड़ते रहते, तो नाबार्ड का बहुत वो बहुत ही सहायता करते हैं, हमारे साथ आते हैं ना, किसान की बातें करते हैं, क्योंकि फंडिंग की जरूरत रहती है। तो इसके लिए हमारे साथ जो विटामिन एम है ना, जिसकी कमी रहती है हमें, जो विटामिन एम की कमी, तो हमारे यहाँ एम की गोली आई है, तो उनको मैं LDM साहब को बताऊंगा, तो विटामिन एम के बारे में आप बता दीजिए सर, धन्यवाद। विटामिन एम का मतलब सबका यहाँ पे स्वागत है। और हमारे एक्चुअल में क्या अभी कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग की वजह से लेट हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि अपने कोई भी कृषि का धंधा ले लो, दूसरा बिजनेस ले लो, सबके लिए पैसों की आवश्यकता होती है। और पैसा कैसे मिलता है उसका मेन वो होता है अपने जो बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट है, किताबें पूरी कंप्लीट रखनी है। जब अपन कभी भी बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट वगैरह मांगेंगे, तो वो ज़रूरी है। और दूसरा, सबके अकाउंट बैंक के अंदर है, सबको अपने अपने बीमा करवाना है, 220 रुपये वाला, 436 वाला, जिससे जीवन सुरक्षा। राजस्थान बाल कल्याण समिति उसके मेंबर हमारे साथ हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी ग्रांट जल्दी से जल्दी आए और हम जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करें, क्योंकि हमें अभी साल डेढ़ साल हो गया और प्रोग्रेस थोड़ी सी हमें स्लो लग रही है अभी भी। और ये जितने हमारे प्रोजेक्ट बताए, एक सर हमारे काजरी के साथ प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं हम, क्योंकि किसान का टारगेट है कि कैसे प्रोडक्शन ज़्यादा है, वो ये नहीं सोचेगा कि IPM है ये क्या है, लेकिन अगर हम उनको कुछ ना कुछ लालच देंगे और कुछ ना कुछ उनको पाथ दिखाएंगे कि भाई हम कैसे इसको आगे ला सकते हैं, जैसे पहले कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बाण नीचम चौक नौकरी, तो वो वाली कहानी हम वापस दोहराना चाहते हैं, कैसे भी करके कि खेती उत्तम में आए। और जब भी हम कहीं जाते हैं, और जैसे मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि आप खेती में क्यों आए, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, एक दिन के लिए नहीं है या एक साल के लिए नहीं है, ये निरंतर रहनी चाहिए। इसीलिए बानस एग्री प्रोड्यूसर कंपनी का नाम क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन बाद में वो वहाँ पहुँचे ना, अभी उनको कोई रुकने वाला नहीं है, वो ऐसे उनमें इतना इकट्ठा है, इतना मतलब उनमें संगठित है, वो मतलब अभी वो रुकने वाले नहीं है। अभी वो कहाँ 50,000 मतलब यू नो 50 या 100 करोड़ का भी काम करके एक NGO है, आपने सुना होगा, भारत को स्पाइस बोर्ड की तरफ से FAO SABC और फार्मा प्रोड्यूस कंपनी का आपको बहुत धन्यवाद।
और आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे और कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे, एमओयू साइन करेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे। तो बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे की जो समापना है मैं हमारे फील्ड कोर्ट सलीम को मैं बताऊंगा, धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे सलीम। माननीय मुख्य अतिथिगण और किसान बंधुओं को हमारे और हमारे साथी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर सर जुगल दास जी जो स्पाइसेस बोर्ड रीजनल ऑफिस जोधपुर में काम कर रहे हैं। इनकी हाल ही में अभी इनकी पोस्टिंग हुई है जो आसाम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गिरिराज शर्मा सर जो ITC बाड़मेर से है। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वेरी एक्टिव, वेरी एजाइल, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी डायनेमिक यूं कहूँ वन मैन आर्मी जो आज हमारे बीच नहीं बैठ पधा रहे, डॉक्टर भागीरथ चौधरी सर, लेकिन उनकी टीम हमारे पास आई आज। उनके श्री नरेश जी, श्री भारद्वाज जी और मिस सपना जी एंड मिस सैया जी। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री राजेंद्र कुमार साहब जो शिव शक्ति फैक्ट्री निम्बोल से आए और अपना कीमती समय निकालकर हमारे पास आए हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वेरी टैलेंटेड, वेरी स्मार्ट, शब्दों की ज्ञानी जिन्होंने जीरा को एक नया नाम दिया, जीरा मारवाड़ का हीरा, श्री डॉक्टर SK कुलोली साहब। आप सब किसानों से मिलने आते रहते, बता देता हूँ कि ये डॉक्टर कुलोली साहब वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी है। अब धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्पाइसेस बोर्ड की बहुत मदद की, श्री हेमेंद्र सिंह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जैतरण के कटादरता। सच में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर कुलोली साहब जिन्होंने हमें इतने बड़े अवसर दिए हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों ने और खास तौर पर हमारे किसान बंधुओं ने आज के इस कार्यक्रम को बहुत इंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। मैं सलीम अहमद, फील्ड कोऑर्डिनेटर स्पाइसेस बोर्ड रीजनल ऑफिस जोधपुर। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन और कार्यक्रम समाप्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।